नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं ऑल इन वन स्टडी। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजियोथेरेपी के बारे में, यानी जिसको बीपीटी के नाम से भी जाना जाता है। फिजियोथेरेपी के बारे में हम सब कुछ जानेंगे, जैसे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब स्कोप क्या है, जब स्कोप है या नहीं, सैलरी कितना मिलेगा इस कोर्स करने के बाद, जॉब आसानी से मिलेगी या नहीं, जॉब के लिए इधर उधर भटकना नहीं तो नहीं पड़ेगा, फिजियोथेरेपी कोर्स का मार्केट में डिमांड कितना है, डिमांड है या नहीं, और इस कोर्स का ड्यूरेशन कितना है और फीस कितना लगेगा इस कोर्स को करने के लिए। तो आपको इन सभी पॉइंट में हम डिटेल में बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पहले जॉब स्कोप और सैलरी के ऊपर बात करते हैं। फिजियोथेरेपी एक पैरामेडिकल कोर्स है जो कि 4 साल का डिग्री कोर्स होता है और 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, और इसमें आप डिग्री कोर्स में आपका इंटर्नशिप भी इंक्लूड रहता है। फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद आप जनरली हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं और नर्सिंग होम में। ज़्यादातर आपका जॉब लगता है फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल में। फिजियोथेरेपी का अलग क्लिनिक होता है, इसमें आप जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों जगह पे आप जॉब कर सकते हैं। और यदि आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, लेकिन आपको खुद का क्लिनिक चलाने के लिए 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, जो आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर के साथ 2 साल जॉब करनी पड़ेगी, तभी आपका क्लिनिक अच्छे ढंग से चला सकेंगे। और दोस्तों, क्लिनिक खोलने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, बहुत सारे इक्विपमेंट और मशीन खरीदना पड़ेगा जो बहुत महंगा आता है, तभी आपका क्लिनिक अच्छा से चलेगा और आप पेशेंट को अच्छे तरह से ट्रीटमेंट कर पाएंगे, और एक्सपीरियंस भी होना चाहिए और आप अच्छा सैलरी कमा सकेंगे। बेहतर होगा कि आप कोर्स ख़त्म होने के बाद आप तुरंत जॉब करें, क्योंकि आप जॉब करेंगे तो आपके पास पैसा होगा, तो आप क्लिनिक खोलने में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। कोर्स ख़त्म होने के बाद आप फ्रेशर के तौर पर जॉब करते हैं तो आपका सैलरी 15,000 से 25,000 तक होता है, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे आपका सैलरी बढ़ता है। यदि आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप 50,000 से 60,000 तक कमा सकते हैं, और यदि आप अपना क्लिनिक खोलते हैं तो सैलरी आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना कमा सकते हैं। फिजियोथेरेपी मेडिकल से जुड़ा फील्ड है, आप इस कोर्स करने के बाद आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते, आप बिल्कुल इस कोर्स को कीजिए, आप बेफिक्र होकर इस कोर्स के कीजिए। यदि आपका इस कोर्स में इंटरेस्ट है तो आप इस कोर्स को करिए, इसमें बहुत ही अच्छा कैरियर है, आपका कैरियर का इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगा इस कोर्स करने के बाद। यह बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है। दोस्तों, फिजियोथेरेपी 2 प्रकार का कोर्स है, एक डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी जो कि 2 साल का कोर्स है, और दूसरा BSc इन फिजियोथेरेपी जिसको डिग्री कोर्स भी कहते हैं, जो कि 4 साल का कोर्स है। बेहतर होगा कि आप डिग्री कोर्स करें। दोस्तों, आपको बता दें, फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग कोर्स है, इसका मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, इंडिया में तो इसका डिमांड है ही, और इसके अलावा दूसरे कंट्री में भी इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है। फिजियोथेरेपिस्ट का मुख्य काम है एक्सरसाइज और मेडिसिन और कुछ मशीन के जरिए पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। आपके आसपास फिजियोथेरेपिस्ट हॉस्पिटल होगा तो आप जानते ही होंगे, इसमें ज़्यादातर पेशेंट को ट्रीटमेंट किया जाता है जो पेन से प्रॉब्लम होता है, हर शरीर में कोई हड्डी वगैरह में बैक पेन में दर्द होता है, तो उसमें एक्सरसाइज के जरिए उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें पेशेंट बहुत सारे आते रहते हैं, पेशेंट की कोई कमी नहीं होती है। अब बात करें क्वालिफिकेशन की, कि इस कोर्स करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि योग्यता चाहिए। तो कोर्स करने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, और 50% मार्क होना चाहिए 12th में। इसमें नीट एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है, हम एडमिशन पे भी बात करेंगे आगे चल के, आप वीडियो पूरा देखिए। अब बात करें एडमिशन की, तो आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं और इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर कि किस प्रकार एडमिशन करते हैं। बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी मेरिट के आधार पर एडमिशन करते हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में इंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होता है, इसमें नीट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती है। फीस की बात करें तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अलग फीस होता है, आप यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं।
दोस्तों फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद आप बिल्कुल एक डॉक्टर बन जाते हैं, आप एक डॉक्टर से कम नहीं होते हैं। आप इस कोर्स को कीजिए, ये आपके करियर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। आई होप कि आप फिजियोथेरेपी के बारे में समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप टॉप 5 पारा मेडिकल कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जा करके देख सकते हैं। थैंक्स।